हेलो एवरीवन, आई आई मास्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यून नोटिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी स्थाई भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पर अब इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है सो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे लेकिन पोस्ट आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की है तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए या कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओके डिप्लोमा हो सर्टिफिकेट लेवल कोर्स हो कुछ कोर्सेज बताए गए हैं या फिर आपने डिग्री जो ग्रेजुएशन है वो भी अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में की हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं So, स्थायी भर्ती है हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी हम सारा सब कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करेंगे अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हेल्पफुल रहे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा तो पहले तो आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी है वो 148 वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए आप देख रहे हैं फिर यहाँ पर आउट ऑफ कैटेगरीज वाइज पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन वुमेन्स के लिए भी रिजर्व रखी गई है इसमें से और आउट ऑफ टोटल वैकेंसी रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड पी कैंडिडेट ओके okay, तो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वन हंड्रेड फोर्टी एट एक सौ अड़तालीस टोटल वैकेंसी है अब ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया हाई कोर्ट में ये वैकेंसी आई हुई है और ये जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल ऑन दस्टब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं 148 यहां टोटल है, आपकी उन्नीस हजार नौ सौ से तिरसठ हजार दो सौ रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो अप्लाई करने की लास्ट डेट्स तक आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है ना क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया ये अप्लाई करने की लास्ट डेट देखी जाएगी अब लास्ट डेट क्या है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने बैचलर डिग्री आपने ग्रेजुएशन ही अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर से रिलेटेड जो अदर कोर्सेज हैं उनमें अगर आपने की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिर आपको कोई भी अलग से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर फील्ड से ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं अगर आपने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन नहीं किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं किया है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो थ्री ईयर का डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके इक्वेलेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वहां से भी अगर आपने किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन रहता है बैचलर डिग्री और इट्स इक्वेलेंट फ्रॉम अ रिकॉगनाइज आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किया हो किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट आप हो लेकिन उसके साथ में आपके पास एटलीस्ट वन ईयर ड्यूरेशन का डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इनसे इक्विवेलेंट इनके इक्विवेलेंट जो भी कंप्यूटर के कोर्सेज हैं उनका अगर आपने कम से कम एक साल का डिप्लोमा एक साल का किया हो दो साल का किया हो तीन साल मिनिमम आपका एक साल होना चाहिए एक साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए कम से कम एक साल का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो आप अप्लाई कर सकते हैं या अगर आपने डिप्लोमा नहीं है तो ओ लेवल का जो कोर्स होता है ना ये भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप ग्रेजुएशन के साथ में अप्लाई कर सकते हैं ओके सो so, यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने किया हुआ है तो, तो आपको कोई भी अदर रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से किया है तो फिर आपको यहाँ डिप्लोमा कंप्यूटर में लगेगा वन ईयर का मिनिमम वन ईयर का या फिर आपने ग्रेजुएशन ही नहीं किया है तीन साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज क्राइटेरिया देखेंगे तो मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है आपके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात इनके लिए भी रिलैक्सेशन मिल गया एस सी जो कैंडिडेट होंगे ईडब्लू कैंडिडेट होंगे सिर्फ गुजरात जोन के जो बिलोंग करते हैं उनके लिए फाइव ईयर का मिल गया वुमेन कैंडिडेट्स को भी फाइव ईयर का रिलैक्सेशन है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ डिफरेंटली एबल पर्सन जो डिस पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिलैक्सेशन है ओके तो ये यहाँ पर हो गया इसके बाद आप रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं फीस हम देखेंगे पहले हम इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लें तो so, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स का होगा इसके बाद आपका एक कंप्यूटर एप एडिट टेस्ट भी होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा अब आ, पहले एलिमिनेशन टेस्ट देखेंगे 100 मार्क्स का जो आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन पेपर ऑफ़ एलिमिनेशन टेस्ट सेल कॉन्सिस्ट ऑफ हंड्रेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे फॉर एवरी रोंग या मल्टीपल आंसर देस वैल बी नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी जीरो पॉइंट थ्री थ्री मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप एक भी आंसर गलत करते हैं क्वेश्चन पेपर आप सिर्फ इंग्लिश में दे पाएंगे ओके okay? इंग्लिश में आप एग्जाम देंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चन इन गुजराती लैंग्वेज ठीक है इसके बाद ड्यूरेशन देखेंगे तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो आपका दो घंटे का रहेगा सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका सिलेबस रहेगा कंप्यूटर नॉलेज जनरल नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी एनालिटिकल रीजनिंग करंट अफेयर्स एंड गुजराती लैंग्वेज से क्वेश्चन किए जाएंगे ये जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट विल बी कंडक्ट आइदर एट अहमदाबाद और एट एनी डिस्ट्रिक्ट प्लेस एज एनी डिसाइडेड तो ये वैसे अहमदाबाद में हो सकता है या फिर जो भी गुजरात में अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो अदर जो ज़िले हैं डिस्ट्रिक्स हैं वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है कैंडिडेट्स आई हैव टू सिक्योर मिनिमम फिफ्टी मार्क्स आपको इस एग्जामिनेशन में लाना ज़रूरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए जिससे कि आप इसकी नेक्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर एडेड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए ओके तो ये आपका रहेगा इसके बाद आपका कंप्यूटर एडिट टेस्ट जो रहेगा वो 100 मार्क्स का है टू आवर्स की टाइमिंग इसमें दी गई है सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे सारे टॉपिक्स यहाँ बता दिए गए हैं इसमें भी मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है तभी आप इसमें आगे आगे की कोई प्रोसेस नहीं है लेकिन आप इसमें सिलेक्शन के लिए आपकी मेरिट में आप आ सकते हैं ओके तो ये यहाँ पर आपका हो गया इसके बाद आप सिलेक्शन लिस्ट आपकी कैसे प्रिपेयर होगी वो यहाँ पर बताया गया है हाउ टू अप्लाई अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है ऑफिशियल साइट पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अप्लाई करने से रिलेटेड दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख लेंगे अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को हम कवर करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट ये आपकी वेबसाइट दी गई है एन की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 22 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं लास्ट डेट आपकी 15 जून है 15 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फीस भी आप 15 जून तक ही पे करेंगे लास्ट डेट रहेगी करेक्शन विंडो आपकी सत्रह जून से उन्नीस जून यानी सत्रह अठारह उन्नीस तीन दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप सत्रह अठारह और 19 जून में करेक्शन कर सकेंगे उसको करेक्ट कर सकेंगे एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर हम फीस की बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए पंद्रह एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ओके एक मिनट अनरिज़र्व के लिए है पंद्रह सौ रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बाकी जो एस सी कैंडिडेट हैं पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं एंड ओ बी सी एन सी एल कैंडिडेट हैं ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट हैं उनके लिए सात सौ पचास रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी ओके सो ये ऑफिशियल uh, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एन टी की वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो एक बार नोटिफिकेशन आप भी केयरफुली रीड कीजिएगा अप्लाई करने से पहले और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू